नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय चौमेला, आप सबका स्वागत करता हूं ऑनलाइन ई क्लास में। हम पढ़ रहे थे केशव दास द्वारा प्रणीत रामचंद्रिका से लिए गए प्रमुख अंशों के बारे में। ये वीडियो स्नातक द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य में जो प्रमुख पाठ शामिल किए गए हैं, उनमें से प्रथम अध्याय केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के प्रमुख पद्यांशों पर है। रामचंद्रिका के सुंदर कांड का अंश हम पढ़ रहे थे। सुंदर कांड से सीता दर्शन, सीता हनुमान संवाद विषयों पर हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन कर लिया है। सीता हनुमान संवाद, सीता जी और हनुमान के बीच हुए संवाद बातचीत पर ये प्रसंग हैं। रावण द्वारा सीता जी का हरण करके लंका ले जाया जाता है और सीता जी को अशोक वाटिका में चिंताग्रस्त देखकर हनुमान जी उनके सम्मुख प्रस्तुत होते हैं और सीता जी को अपना परिचय देते हैं। सीता जी आश्वस्त हो जाना चाहती हैं कि वास्तव में हनुमान ही हैं, और जब वे आश्वस्त हो जाती हैं उसके बाद सीता जी और हनुमान के बीच का जो संवाद है वही प्रसंग आज के इस वीडियो में लिया गया है। प्रसंग है राम विरह वर्णन, सुंदर कांड का ही प्रसंग है। सीता हनुमान संवाद से अगला प्रसंग है राम विरह वर्णन, हरि गीति का छंद में है। पद्यांश हैं कछु जननी दे परतीति, जासो राम चंद्र ही आवई, शुभ शीश की मणि दई, यह कही सुयस तब जग गावई, सब काल वे हो अमर अरु, तुम समर जयपद पाई हो, सुत आजू ते रघुनाथ के, तुम परम भक्त कहाई हो। तो प्रसंग में जब सीता जी ये आश्वस्त कर लेती हैं कि ये हनुमान हैं, तब उनके बीच वार्तालाप होती हैं और वार्तालाप ख़त्म करके जब हनुमान जी विदा लेते हैं उस समय का ही ये प्रसंग है। सीता और हनुमान के बीच क्या बातचीत होती है। कछु जननी दे परतीति, जासो रामचंद्र ही, हनुमान जी विदा लेते हुए कह रहे हैं सीता जी से, हे जननी कछु दे, कुछ ऐसा दीजिए जिससे प्रतीति यानी विश्वास हो जाए, जासो यानी जिससे रामचंद्र ही रामचंद्र को आवे यानी आ जाए। आप कुछ ऐसी निशानी दें जिसे मैं रामचंद्र को दूं और उन्हें ये विश्वास हो जाए कि मैं वास्तव में सीता को मिलकर आ रहा हूँ। यानी जिस उद्देश्य से राम ने हनुमान को भेजा था उस उद्देश्य को मैं पूर्ण करके ही आया हूँ, इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसे देखकर रामचंद्र को ये विश्वास हो जाए कि मैं
सीता को देख करके आ रहा हूँ। तब शुभ शीश की मणि दई, तब सीता जी ने उन्हें अपने शुभ शीश की मणि दी, अपने सिर पर जो मणि धारण किए हुए हैं यानी शीश फूल उन्होंने जो धारण किया हुआ था वो दे दिया, दई दे दिया। यह कही और कहा, सीता जी ने अपना शीश फूल उनको देकर के, हनुमान को देकर कहा, सुयस तब जग गावही, तुम्हारा सुयस ये सारा संसार गाएगा, यानी इस संसार में तुम्हारी कीर्ति गाई जाएगी, तुम्हारा यश इस संसार द्वारा गाया जाएगा। सब काल वे हों अमर, और तुम सभी काल में अमर हो जाओगे, भूत भविष्य वर्तमान हर काल में तुम्हारा सुयश गाया जाएगा, तुम अमर रहोगे। अरु और तुम समर जयपद पाई हूँ, तुम समर में यानी युद्ध में जयपद को प्राप्त करोगे, यानी हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त करोगे, इस प्रकार का आशीर्वाद सीता हनुमान को देती हैं और उन्हें विदा कर रही हैं कि तुम्हारा यश संसार गाएगा, तुम हमेशा अमर रहोगे और हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। सुत पुत्र आजुते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाइयो, आज से तुम रघुनाथ के परम भक्त भी कहलाओगे, ऐसा आशीर्वाद सीता देती हैं हनुमान को और उन्हें विदा करती हैं अपना शीश फूल देकर के। तो इसमें भी वही संवाद योजना है, स्वाभाविक और प्रभावकारी हैं, सुंदर साहित्यिक ब्रजभाषा है, संवाद स्वाभाविक हैं। इसके बाद इससे अगला छंद हनुमान रावण संवाद विषय पर, यानी अब प्रसंग हनुमान और रावण के बीच हुए संवाद का है। काव्यांश इस प्रकार हैं, रे कपि कौन तू अच्छ को गातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिशरा खर दूषण दूषण भूषण भू को, सागर कैसे तरो जैसे गोपद, काज कहा सिए चोरही देखो, कैसे बंदायो जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत पातक लेखो। तो इसमें भी संवाद योजना बड़ी सुंदर बन पड़ी है, हनुमान और रावण के बीच संवाद हैं। जब हनुमान सीता जी से विदा लेकर जाने को प्रस्तुत होते हैं तब हनुमान को मेघनाद द्वारा बंदी बना लिया जाता है। उससे पूर्व हनुमान द्वारा जब अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया जाता है और अक्षय कुमार को मार दिया जाता है, यानी अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार दिया था, उसके बाद मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाकर हनुमान को ब्रह्मपाश में बांध लिया और रावण के सम्मुख प्रस्तुत किया, तब हनुमान और रावण के बीच जो संवाद होता है ये वही प्रसंग है। इसमें रावण हनुमान से कह रहे हैं, रे कपि कौन तू अच्छ को गाता, रावण पूछ रहा है हनुमान से, रे कपि अरे वानर कौन तू, तुम कौन हो, कौन हो अच्छ को घातक, अक्षय कुमार का घातक,
यानि अक्षय कुमार को मारने वाले तुम कौन हो? दूत बलि रघुनंदन जू को। तब हनुमान उत्तर देते हैं कि मैं दूत हूँ बलि यानि बलशाली रघुनंदन जू को, रघुनंदन यानि राम का, मैं राम का दूत हूँ। को रघुनंदन रे? तो रावण फिर पूछता है कौन है रघुनंदन, रघुनंदन कौन? तीसरा खर दूषण दूषण और भूषण भू को। तो हनुमान जवाब देते हैं कि तीसरा खर और दूषण, जिसे राक्षसों का दूषण करने वाले यानि मारने वाले, खर दूषण और तीसरा आदि राक्षसों का वध करने वाले हैं रघुनंदन, और भूषण भू को इस भूमि के भूषण हैं यानि इस संसार के आभूषण हैं रघुनंदन। तब फिर रावण पूछता है सागर कैसे तरो? अच्छा तुमने सागर कैसे तर लिया, इतना बड़ा समुद्र पार करके कैसे आ गए लंका में? जैसे गोपद। तो हनुमान जवाब देते हैं कि जिस प्रकार से गोपद को पार किया जाता है उस प्रकार। गोपद यानि गाय के पैर से जो निशान बन जाता है, उस इतने से खड्डे को जब व्यक्ति आसानी से पार कर लेता है, उतनी आसानी से ही मैंने ये समुद्र पार किया है। काज कहा? तो फिर रावण पूछता है कि किस काम से आए हो? काज कहा यानि क्या काम है, यहाँ क्यों आए हो, यहाँ क्या काम है? सिए चोर ही देखो। तब हनुमान जवाब देते हैं कि मैं सीता जी के चोर को देखने के लिए आया हूँ। सीता जी को जिसने चुराया है, उस चोर को देखने के लिए मैं आया हूँ। कैसे बंधायो? तो रावण फिर पूछता है जब तुमने इतना बड़ा समुद्र गोपद के जैसे पार कर लिया है, तो फिर तुम कैसे बंध गए, कैसे बंधायो, कैसे बंध गए हो तुम? जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत पातक लेखूं। तब हनुमान जवाब देते हैं, बड़ी ही व्यंग्यात्मक बात है, बहुत सुंदर जवाब उन्होंने दिया है। जो सुंदरी तेरी दुई दृग सोवत, जो तेरी सुंदरी सोई हुई थी, सोवत यानी सोई हुई, उसको मैंने देख लिया। दुई दृग, मैंने अपनी आँखों से उसे सोता हुआ देख लिया। तेरी जो सुंदरी सोई हुई थी, उसे मैंने सोता हुआ देख लिया। पातक लेखों, उसी का पाप मैं भुगत रहा हूँ। पातक यानि पाप, लेखों यानि भुगत रहा हूँ। तुम्हारी सोई हुई स्त्री को देखने का जो पाप मैंने किया है, उसी कारण से मैं बंधा हूँ, उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। तो ये व्यंग्यात्मक बात है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब एक सोती हुई स्त्री को देख लेने से ही मुझे ये सजा मिल गई है, तो हे रावण, तूने तो सीता जी का हरण कर लिया है, तुमने तो महापाप कर लिया, सोचो इसका क्या फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो ये बहुत ही व्यंग्यात्मक बात हनुमान जी ने कही है, बहुत ही चतुराईपूर्ण से उन्होंने जवाब दिया है। तो इसमें भी संवाद योजना जो हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हैं। छोटे छोटे संवाद आए हैं जो बिल्कुल वास्तविक जैसे हैं, प्रभावशाली हैं, और प्रश्नोत्तर शैली हैं। रावण और हनुमान के बीच प्रश्नोत्तर शैली में सवाल जवाब हुए हैं। सुंदर साहित्यिक ब्रजभाषा है।
इस प्रकार हनुमान रावण संवाद से संबंधित ये प्रसंग बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है। इसके बाद आगे के छंदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।